सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। तो भाई नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, भाई लोग अंदर रेडी हो रहे हैं, तो मैं तो जल्दी जल्दी से रेडी हो गया। आपको पता है कि व्लॉग स्टार्ट करना था, और आज जो व्लॉग गाइस मौका मिला है पहाड़ों में स्टार्ट करने का, सुबह सुबह क्या मस्त वाइब आ रही है भाई। देखो सामने ये ना, आपको वीडियो में बहुत कम छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन इतना बड़ा है ना, छोड़ ही दो भाई इधर, ये सामने। लेकिन एक बात और है, तो गाइस एक बात और है, यहाँ पे ना आपको किसी का घर नहीं दिखाई देता होगा, ठीक है। और जब रात होती है ना, तो ये सारी जैसे आप दिए जला देते हैं दीपावली में, उजाला हो जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ भी घर हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो फिलहाल आप रेडी हो भाई? अब आज का टूर का क्या शेड्यूल बनाया आपने? आज पहले तो जाएंगे सीधे मनाली, तो ओके, उसके बाद वहाँ रूम लेंगे, ठीक है, देंगे। उसके बाद जो मनाली के नज़दीक नज़दीक जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना, उनको घूमेंगे। उसके बाद उनको देख के घूम घाम के फिर शाम को अपना रात को सो जाएंगे। उसके बाद सुबह निकलेंगे रोहतांग, सोलंग वैली, और उसके बाद सीसू अटल टनल। यस, तो ऐसे ऐसे गाइस जैसे कि भाई ने बताया, इस जगह पे हम जाने वाले हैं, और बाकी देखते हैं आगे क्या क्या सिस्टम, क्या क्या सीन बनते हैं। बस आप आनंद लो, व्लॉग देखो, मस्त सपोर्ट करो, और बस देखी जाओ गाइस मस्त व्लॉग आने वाले। तो भाई ये जो पानी चल रहा है ना, जैसे नदी टाइप, इसकी इतनी आवाज़ आ रही है ना भाई, इतनी आवाज़ आ रही है। तो गाइस आपको बता दूं कि जैसे अपनी एज के भाई हो ना सभी, तो मज़ा ही कुछ और आता है घूमने में, क्यों आप तो आप, क्योंकि आपको बता दूं कि मस्ती करना और किसी बात का कोई डर नहीं, बस फन करना अपना, तो मज़े लेने। तो इसी के साथ गाइस अब रेडी हैं सभी, और हम निकलते हैं भाई जल्दी से। अभी रेडी नहीं हो क्या भाई? भाई ने बांधनी है पग, और उधर गेंडा पड़ा है। रेडी हो? तो फिलहाल भाई पग बांध रहे हैं, पूरी मेहनत लगा के जबरदस्त। बाकी आपने पहले व्लॉग में देखी होगी कितनी जबरदस्त लगती है भाई को। तो इधर गाइस फोटो शूट चल, तो फिलहाल गाइस चेकआउट के लिए रेडी हैं सभी, चलते हैं भाई। सब रेडी हो रहे हैं आज, हरियाणा के लौंडे यहाँ आके देखो क्या। तो फिलहाल गाइस भाई लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम भी अपने बाइक पे ऐसे ही लगा लेंगे। ये रहा नहीं जाता। रेडी? बिल्कुल ओके। हाँ जी दोस्तों, ये अपने हिमाचल मंडी शहर में यहाँ हम रात रुके थे, तो मॉर्निंग निकले हैं, तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब। ये बाबा गुरु गोविंद सिंह जी की पलंग। तो गाइस लंगर हॉल, तो भाई जा रहे हैं लंगर हॉल में जा रहे हैं। तो देखो भाई क्या मस्त वाइब आ रही है यार, इतनी शांति है ना, मन को इतना सुकून मिला ना कि दर्शन करके। इसमें और डाल दो, बोल दे। लो जी आया अपने गुरुकरण साहब का गुरुद्वारा साहब, जिसके अभी सारी टीम लंगर छक रहे हैं। लंगर छकन तो बाद अगे का सफ़र तय करांगे, जो भी 100-150 किलोमीटर रह गया मोहाली का, मनाली का सॉरी, उस बाद अगे का सोचा भी अगे अभी सुमन वगैरह जाना कि नहीं जाना। सो भाई लंगर ग्रहण कर लिया भाई, मस्त लंगर था। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं, अब फिर चलते हैं। सो भाई हम बड़े भागों वाले हैं, जो हमारे को मटरों की सेवा मिली है निकालने की, तो फिलहाल वो निकालते हैं भाई, सेवा मिली है। फाइनली निकलते हैं भाई गुरुद्वारा से। तो गाइस कितना रिस्की काम है भाई, देखो इधर। तो गाइस आप ये ट्रैफिक देख सकते हो, ये जो बड़े साधन है ना, बड़े व्हीकल हैं, उनके लिए मतलब उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत मान लो, कि ये बाइक राइडर है ना, जितने भी बाइक राइडिंग पे आते हैं, जैसे हम राइडिंग कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज हमने बाइक वहाँ पार्क कर दी है,
तो फिलहाल यहाँ का मजा लेने आए हैं भाई। कितना भयंकर नज़ारा है यार, मज़ा ही आ रहा है। तो गाइस काफ़ी शॉट ले लिए थे फोटोज़ के, तो फिलहाल अब चलते हैं। तो फिलहाल गाइस थोड़ा टाइम रुके थे हम दोनों भाई, तो फिलहाल पीछे हैं भाई लोग सारे। तो गाइस यार मज़ा आ रहा है, आपको मैं कैसे बिलीव कराऊँ। देखो यार वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है, इतना ज़बरदस्त है ना वो, वहाँ से आ रहा है भाई ऊपर से। और जो खुद अपनी आंखों से देखने का मज़ा है ना गाइस, वो तो कुछ और ही है यार, फुल मज़ा आ रहा है देखने में। देखो गाइस हमने नहाने का प्रोग्राम बना लिया है, बहुत ही ठंडा पानी लग रहा है। देखो उधर तो गाइस भाई लोग हमारे उधर चलेंगे, देख लो नीचे। तो कच्चे हमने ले लिए, फिलहाल चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, तो बड़ी हिम्मत करके कपड़े उतारेंगे अब। ठंडे पानी का आनंद है। ए चलो बड़ी हिम्मत करके जा रहा, हिम्मत तो हिम्मत हिम्मत तो हिम्मत। कौन आ गया? छोटा है, छोटा चौपर है बिट्टू, पानी टाइम जिथे पौना ही बिट्टू आ रही है। सो फिलहाल गाइस नहा के बिल्कुल फ्री भाई, इतना चिल्ड पानी ना। दोस्तों बात सुनो मेरी, पानी न्यू है भाई, एकदम चिल्ड हो रखा है, बर्फ जम रही पूरी। इनका पानी पिया मैं पानी भाई, बर्फ गई अंदर भाई। इधर इधर की तरफ ना ये भाई पत्थर फेंक रहा, देखते हैं पहुंचता है या नहीं। काफी दूरी है वीडियो में, हाँ पत्थर से पता लगे भी कितनी दूर है ये। चलो जीत गया मैं। तो काफी मजा आया भाई ना के, तो फिलहाल अब चलते हैं चाय पीते हैं पहले यार। बस बस भाई दस के कितने हैं? तीन उसे दे दे, तीन उसे दे दे, तीन मुझे दे दे, तीन दे दे बस। मेरे तो स्टार्ट अब 10 पीस होगा भाई आपके। हाँ कुंटे इकट्ठी करूँ मैं। हाँ दोस्तों अभी हमने गोलगप्पे खाए भाई, क्या गोलगप्पे बनाता है यार, एकदम लाजवाब। इसका क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, टेस्ट तो छोटे वंडे लगा देता है एकदम से यार। ये बुला रहा कि चाय पी लो आ जाओ। तो फिलहाल गाइस रुके हैं भाई नदी के किनारे, तो चाय पी लेते हैं। आज चाय नहीं पी मेरे हिसाब से, तो याद नहीं है, बाकी अब रुके हैं, ये रेस्टोरेंट है, तो फिलहाल चाय पीते हैं भाई। आज आपको चाय नहीं पिला रहे हैं ना सर? मैं तो इतना परेशान हूँ मैं इनसे, बेहद। मैं तो ये नदी में डूब के मर गया, ये अच्छा है, ये मारो इसको। हमारे पेंडुओं के काम देख लो भाई, और साथ में आ रहे हैं मस्त पराठा। तो गाइस चाय और पराठे बिल्कुल रेडी हैं। है दोस्तों इतना गर्म है, एकदम होट हो रखा है। चाय देखिए महाराज क्या टेस्टी। चाय फिनिश, अब चलते हैं भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है वैसे तो, पर दिक्कत ये है कि हम सारे ना वाइट वाइट हो गए, इतनी मिट्टी है ना, सिंगल रोड है। ये देखो भाई के पेंट का हाल और शूज, बाकी जन्नत देखो भाई, देखो जन्नत। पता नहीं है मनाली जाना सीधा अपने, सही रहोगे? अभी गए नहीं है वहाँ पे, एक जगह बताई थी जीबी, जीबी जाओ, किसी भाई ने बोला था रास्ते में नहा रहे थे वहाँ पे नदी में, जब नहा रहे थे आपने देखा होगा लोग पीछे, तो वो बंदा बोला कि जीबी जाना मनाली मत जाना, वहाँ पे लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा मतलब उतना क्रेज रह नहीं, क्रेज नहीं है वहाँ पे, आप जीबी जाओ भाई। क्या जीबी भाई, 400 जीबी है यार। तो गाइज आपको बता दूँ कि हम किसी के कहने पर भाई को जीबी शहर था, मार्केट थी, वहाँ आ गए थे। ये जीबी का ही है भाई सब कुछ, ये देखो इधर। तो फिलहाल कुछ खास नहीं है गाइज, मनाली भाई रह गई है 5 किलोमीटर की दूरी पे, के सामने स्नो है सारी, तो आपको कल लेके चलेंगे स्नो में। तो गाइस हम मनाली पहुंचने ही वाले हैं भाई, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सारी स्नो है भाई, ये देखो सारी स्नो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। उधर देखो थोड़ी बर्फ भी दिख रही है, बर्फ दिखाना भैया। दिखा दिया भाई, सामने बर्फ दिख रही है। हाँ यहाँ पे पहुँच चुका है 11 है टेम्परेचर, और बहुत ठंड लग रही है, कोट वोट भी ले लिया हमने,
और हमारा दोस्त है वहाँ पे, उसको भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई तो कीचड़ उसके कपड़ों में पड़ा हुआ है, तो उधर थोड़ा गंदा हो गया है, अभी कपड़े बदलेंगे और जाएंगे। तो गाइस इतनी 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 ठंड हो रही है ना। ये देखो भाई, सामान लेके आना, जय जय हमने ली नहीं थी। कोई भी भाई आए तो फुल 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 अपना सामान लेके आना। सरपंच साहब ठंड लग रहा, ठंड अपने जिन्नी पूरी सर्दियां की ठंड पे भी ना उतनी मौके पे ठंड है। तो फाइनली गाइस रूम ले लिया भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है, और मनाली हमारे से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल काफी अंधेरा हो चुका था इसलिए आगे जाना थोड़ा सेफ नहीं था। तो ये सिंपल सा कमरा है भाई, बेड है, और अच्छा लगा क्या आपको भाई? मस्त है, क्या बात है यार, बना ऐसे रेंज के अकॉर्डिंग भाई कुछ नहीं यार, मोस्टली कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, सिर्फ साढ़े सात सौ में रूम मिला। ये लग्जरी रूम है यार भाई, फुल लग्जरी है, देखो अच्छे मतलब बेड है, अच्छी टेबल कुर्सी मेज कुर्सी है। तो फिलहाल स्टे हमने यहीं कर दिया भाई, तो फिलहाल अब खाना पीना खाते हैं और एडिटिंग करते हैं, और मतलब कल पहुंच जाएंगे मनाली सुबह सुबह, तो नेक्स्ट लेवल वाले व्लॉग देखना। आपको आज स्नो थोड़ी कम मिली है, कोशिश करेंगे कि आपको स्नो मिले जाने की। तो भाई आज का व्लॉग कैसा था? तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।